यादव जिंदाबाद। बुधवार को पूर्व आयोजित कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने जोकीहाट मार्ग स्थित बेली ब्रिज व सिकटी एबीएम का जायजा लिया। तत्पश्चात देर संध्या सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कहा कि इस बार आए भीषण बाढ़ से जिले के 27 सड़कें एवं 17 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसका अविलंब मरम्मति कर दिया जाएगा और कई जगहों पर मरम्मति कार्य भी चल रहा है। श्री यादव ने कहा कि जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ी मांग सिकटी एबीएम का है। उन्होंने कहा कि जल्द ही डीपीआर बनाकर कार्य शुरू किया जाएगा। अररिया नगर परिषद क्षेत्र में लगा जलजमाव के प्रश्न में मंत्री ने कहा कि मैं नगर परिषद वालों से बात करूंगा। महागठबंधन के द्वारा काला दिवस मनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में नोटबंदी एक ऐतिहासिक फैसला है। जिनके पास काला धन है उसकी बेचैनी बढ़ी है और नक्सलवाद व आतंकवाद की कमर भी टूटी है। इस मौके पर पूर्व सांसद प्रदीप कुमार सिंह, विधायक मंचन केसरी, जिलाध्यक्ष संतोष सुराना, विजय मंडल, पूर्व विधायक आनंदी प्रसाद यादव, जनार्दन यादव समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत नुकसान किया है, बड़ी संख्या में सड़क और पुल पुलिया का नुकसान हुआ है। हमने कोशिश की थी, पथ निर्माण विभाग ने प्रयास किया था कि न्यूनतम समय में हम उस सड़कों को मोटेबल बनाने का काम करें। हमें उसमें सफलता मिली है। अब हमने अभियान चलाया है कि अविलंब उन सड़कों को और पुल पुलियों को पूरी तरह से ठीक कर दें। इलाके रहे जहाँ सड़कें और पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुए उनकी शीघ्र मरम्मति हो। और आप इस बात से अवगत हैं, इस भयानक बाढ़ की त्रासदी के तुरंत बाद जिस प्रकार से पथ निर्माण विभाग ने सड़कों और पुल पुलियों को उसका रजिस्ट्रेशन किया है, तुरंत मरम्मति का काम किया है, इसका एहसास अररिया जिले के लोगों को है। लेकिन एक बड़ा काम हमारे सामने अभी बचा है, हम उसका अस्थायी निराकरण कैसे करें। तो हमने तय किया है जो पथ निर्माण विभाग की सड़कें हैं उन सड़कों को हम नवंबर के अंत तक या दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक उनके कालीकरण का काम समाप्त करेंगे।